बहुत धन्यवाद सर, सबने बातें बिल्कुल इतना ज्यादा मोटिवेशनल करी कि मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर से बच्चे खींच के अंदर चले आए और तमाम बच्चे खड़े होकर के सुनने लगे, तो सर की बातें काफी मोटिवेशनल थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और सर, जैसा आप लोगों ने सबने देखा होगा कि बिल्कुल युवा है और एनर्जेटिक है और बातों में भी हर बात का कोई ना कोई मतलब है, जैसे कोई चीज होती है तो उस चीज के पीछे भी कोई चीज छिप। और प्रधानाचार्य महोदय से हम अनुरोध करूंगा कि संयुक्त आयुक्त उद्योग महोदय रेलवे वाले आए थे, उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए आए थे, एक महीना बाद अपने यहाँ जो है अपनेटिशिप पोर्टल पे 1600 वैकेंसी निकाल रहे हैं। 1600 रेलवे वाले जो है आपके बारे में बताइए, बताने के लिए मेरी बात सुन ली उनसे हमने फोटो कॉपी ले लिया है। आप लोगों केवल ये बताने के लिए आए थे कि एक महीने बाद, मेरी बात सुन लो यार, पूरी बात सुन ली, एक महीने बाद वो पोर्टल पे अपनी वैकेंसी निकाल रहे हैं जिसके तहत आप लोग अप्लाई कीजिएगा और मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे, जिसमें प्रयागराज जनपद का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का लेकर करीबन 700 वैकेंसी है, 700 वैकेंसी है। तो आप लोग जो है जैसे ही एक महीने में आप इनकी बात को सुने, पूरी समाधान भी है हमारे पास। आपको अगर रेलवे ले लेगा तो हमारा कोई नुकसान जी नहीं, लेकिन हम लोगों का, हमारा लोगों का बहुत नुकसान होगा। कहने में आ रही है अगर हम लोग भरोसा नहीं करोगे, हम भरोसा सर आपके पास आराम से बैठिए, वहाँ पे जो भी नियम है आपको बताएंगे, उसकी फोटो कॉपी भी दे देंगे, वो अपना एक भी आराम से बैठिए बताएंगे। इतनी धूप में सिर्फ मजाक किया जा रहा है, लेकिन सर पोर्टल पर डाला हुआ नहीं जाता। पूरी बात को समझो, उसके बाद रिसोल्यूशन मिलता है। मैंने नंबर दिया है आपको, मुझे समाधान हम लोग कराएंगे। एक मिनट आप लोग बैठिए, बस बताते हैं।